नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में अस्पताल की बड़ी लापरवाही से 18 मरीज हुए अंधे। बिहार में 2446 पदों पर दारोगा बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जवाब तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट हुआ जारी। बिहार में एक बार फिर धन कुबेर थानेदार चढ़ा ईओयू टीम के हत्थे। जाति जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में अस्पताल की बड़ी लापरवाही से 18 मरीज हुए अंधे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अस्पताल और डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। तो वहीं 18 लोगों को इन्फेक्शन के कारण आंखें निकालनी पड़ी है। खबर के अनुसार मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में 22 नवंबर को ही एक मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान लापरवाही और संक्रमण के कारण मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद 18 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। वहीं इस शिविर में ऑपरेशन कराए हुए दूसरे मरीजों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। मामले में बिहार स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गई है और हाई लेवल मीटिंग हो चुकी। तो वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में नोटिस भेजकर पूरी जानकारी मांगी है, जिसके तहत अस्पताल में किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि आयोजित शिविर में डॉक्टर ने 65 मरीजों का ऑपरेशन किया था। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त। बिहार विधानमंडल का 4 दिनों का शीतकालीन सत्र आज चौथे दिन की बहस के साथ ही समाप्त हो गया। अब कुछ महीनों के बाद बजट सत्र आएगा। बताते चले कि आज के सत्र में कई विषयों पर बहस हुई। तो वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही कई विधायक धरना प्रदर्शन भी करने लगे। इस दौरान बीच में एक बार हंगामा रोकने के लिए 10 मिनट तक सदन को स्थगित भी किया गया था, जिसके बाद फिर से 20 मिनट के बाद बहस शुरू की गई। इस दौरान सदन में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड को लेकर उठाया और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही। तो वहीं लंच के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की, जिस पर सीएम ने भी 3 से 4 दिनों में सर्वदलीय बैठक करने की बात कही। बिहार में 2446 पदों पर दारोगा बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन राज्य में 2446 दारोगा समेत सार्जेंट, सहायक, जेल अधीक्षक आदि पदों की ज्वाइनिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है और इस फैसले से लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आयोग के उलट फेर के कारण यह फैसला सुनाना पड़ा है। दरअसल 268 अभ्यर्थियों की शिकायत है कि उन्हें कट ऑफ स्कोर से अधिक नंबर आया है, मगर आयोग ने 1 अगस्त 2021 को जो मेरिट लिस्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक उनका चयन नहीं किया गया। उसके बाद ये सभी अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ज्वाइनिंग करने पर स्टे लगा दिया है और साथ ही आयोग को कहा भी है कि अभी किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए बिहार सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला। बिहार में सरकार की तरफ से हर एक लोग को वैक्सीन लगाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। खासकर काम धंधे के लिए बाहर भीतर करने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी भी है। ऐसे में बिहार सरकार ने भी इसे लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। इसके तहत अब तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, उन्हें बिहार के सरकारी दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी और पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने इसे लागू भी कर दिया है। बताते चले कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं और कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जो कि 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। बिहार में बीएच सीरीज का नंबर लेने के लिए करना होगा यह काम। देश भर में बीएच सीरीज यानी कि भारत सीरीज के नंबर प्लेट लागू हो जाने के बाद से आवेदन आने शुरू हो गए हैं। बताते चले कि यह नंबर सिर्फ उन्हीं सरकारी और निजी कर्मियों को मिलेगा जिनके कम से कम 4 राज्यों में कार्यालय है, ताकि उन्हें दूसरे राज्य में जाने पर नंबर प्लेट का बार बार रजिस्ट्रेशन न करना पड़े। बीएच सीरीज देश के हर राज्य में मान्य है। ऐसे में बिहार में भी इसके योग्य आवेदकों के लिए परिवहन विभाग की तरफ से गाइडलाइन भेज दिया गया है। इसके तहत किसी व्यक्ति को बीएच सीरीज का नंबर देने से पहले जिला परिवहन पदाधिकारी उसकी अर्हता की जांच करेंगे। साथ ही आवेदक को अपने 4 राज्यों में कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड देने होंगे, जिसके बाद डीटीओ इसकी सत्यता की जांच करेंगे। जवाद तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट हुआ जारी। बंगाल की खाड़ी में जवाद तूफान आने वाला है। इसको लेकर अभी से ही बिहार में असर दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और जवाद तूफान का असर बिहार में भी दिखने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यह तूफान सीधे तौर पर बिहार में तो नहीं आक्रामक होगा, लेकिन इस तूफान का असर जरूर बिहार में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसके चलते होने वाले मौसमी बदलाव का असर दिख सकता है। इस तूफान के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हल्की बारिश और वज्रपात
का भी खतरा बना रहेगा। इसको लेकर राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान भी जारी कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर धनकुबेर थानेदार चढ़ा ईओयू टीम के हत्थे। राज्य के इन दिनों एक के बाद एक भ्रष्ट कर्मियों पर धावा बोला जा रहा है और छापेमारी के बाद अधिकारियों के भी होश उड़ रहे हैं, क्योंकि इन भ्रष्ट कर्मचारियों ने नौकरी की आड़ में करोड़ों की काली कमाई कर ली है। अब हाल ही में आर्थिक अपराध इकाई ने वैशाली जिले के लालगंज थाना के अध्यक्ष चंद्रभूषण शुक्ला के 3 जिलों में स्थित 5 ठिकानों पर बीते दिन एक साथ छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक थानेदार की आय से 93% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक थानेदार अपने पद का दुरुपयोग कर शराब और अवैध काम से जुड़े माफियाओं से साठगांठ करके अवैध संपत्ति जमा कर ली थी, जिसकी पुख्ता सूचना मिलने के बाद ईओयू थाना में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद ईओयू की टीम ने यह कार्रवाई की। आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे के बिहार आगमन की जारी हुई तारीख। बिहार की पुलिस प्रशासन में अपने कार्यकाल में अहम जिम्मा निभाने के बाद एक बार फिर से आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे बिहार आ रहे हैं और अब उनके आने की तारीख भी जारी कर दी गई है। वे इसी हफ्ते आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वे 7 दिसंबर को बिहार पहुंचने वाले हैं। बता दें कि शिवदीप लांडे अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्हें आम लोग भी नाम और उनके काम से पहचानते हैं। उनके पिछले कार्यकाल में पटना में उनका बड़ा खौफ था। उन्होंने महाराष्ट्र में अपना कारोबार सौंप है और अब फिर से बिहार में सेवा देने के लिए आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस हफ्ते आने के बाद वे कौन सी नई जिम्मेदारी निभाते हैं। मंत्री की गाड़ी सड़क पर रोकने की वजह से विधानसभा में हुआ हंगामा। बिहार विधानसभा में आज सरकार में शामिल मंत्री ने एक ऐसी मांग उठा दी जिसके बाद एक बार फिर से अफसर अधिकारियों और सरकार में मंत्री विधायकों के बीच के फासले सामने आ गए। दरअसल राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि आज यह स्पष्ट होना चाहिए कि SBTM बड़ा है या फिर सरकार बड़ी है। उन्होंने कहा कि DMSP की वजह से हमारी गाड़ी को रोक दी गई, आज सदन में सरकार इसको पहले क्लियर करे। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने भी इसे हाथों हाथ ले लिया और सदन में जांच की मांग करने लगे। इस दौरान बोलते हुए मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि आज सदन आने के दौरान उनकी गाड़ी को रोक दी गई और कहा गया कि SPDM जा रहे हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते। यह भी अजीब स्थिति है। उन्होंने कहा कि DMSP को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी जवाब देते हुए कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह कोहरे और धुंध की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से सुबह का यातायात भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान में पूर्वानुमान के अनुसार थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया। तो वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान दक्षिणी बिहार में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं उत्तरी बिहार के जिलों में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान में भी बीते 24 घंटे के अंदर आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ रहेगा। दिवंगत कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे होंगे जदयू में शामिल। बिहार कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहला झटका RJD की तरफ से उपचुनाव में लगा था, तो दूसरा झटका अब उनके खुद की पार्टी के सदस्य लगा रहे हैं। दरअसल बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश कांग्रेस से रिश्ता नाता तोड़ने के बाद अब जदयू में शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चले कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन के बाद ही शुभानंद ने कांग्रेस पार्टी से रिश्ता खत्म कर लिया था। यहां तक कि वे अपने पिता की सीट से ही 2020 विधानसभा चुनाव में भी खड़े हुए थे, मगर अब वे जदयू में शामिल होने वाले हैं। ये बात बिहार कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम साबित नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ पार्टी प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेता ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। जातीय जनगणना मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। सूबे में जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। इस बीच आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात विधानसभा में ही सीएम के चैम्बर में हुई। इस दौरान कांग्रेस और वाम के नेता भी मौजूद थे। बता दें कि बीते दिन ही सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह देश हित में जरूरी है, इसलिए सीएम को सरकारी खर्च पर जातीय जनगणना कराने की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर पक्ष में ही हैं। सर्वदलीय टीम इस संबंध में प्रधानमंत्री से मिल भी चुकी है, लेकिन भाजपा नेता संसद में इस पक्ष में नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को जातीय जनगणना राज्य स्तर पर ही करवाना चाहिए।
मंगोलिया संसद के 23 सदस्य आज बिहार के बोधगया पहुंचे। विश्वभर में बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र भूमि बोधगया मानी जाती है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इसे लेकर ही बिहार के बोधगया में मंगोलिया संसद के अध्यक्ष समेत 23 सदस्यों वाला एक शिष्टमंडल आज बोधगया पहुंचा है। इस दौरान वे बिहार में विभिन्न बौद्ध स्थलों में घूमने जाएंगे। वहीं अपने खास विदेशी मेहमानों को लेकर यहां प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह तैयार है। बताते चले कि इस शिष्टमंडल का नेतृत्व मंगोलिया संसद के अध्यक्ष कर रहे हैं, जबकि इनके साथ वहां के मंत्रीगण, सांसद, मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन व डिप्टी चेयरपर्सन, मंगोलिया संसद के सचिवालय के ऑफिशियल्स, सुरक्षा एवं सर्विस ऑफिशियल्स, भारत में मंगोलिया के राजदूत समेत अन्य सदस्य भी आए हैं। इन अतिथियों के सम्मान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा आज शाम को डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। सलमान खान की फिल्म अंतिम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम। सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ 26 नवंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आने की तैयारी कर रही है। सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज के 5 दिनों में 24 करोड़ से अधिक बटोर चुकी है। पुलिस फिल्म में इस मुख्य भूमिका आयुष शर्मा ने निभाई है, जबकि सलमान खान सहायक भूमिका में है और अब अंतिम इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म ने फिल्म की स्ट्रीमिंग की सूचना तो दे दी है, मगर तारीख का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान यह मूवी G5 पर उपलब्ध हो सकती है। 27 दिसंबर को सलमान का जन्मदिन भी होता है, इसलिए फिल्म इसी तारीख के आसपास ओटीटी पर आने की संभावना है। टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे में हो सकते हैं कुछ बदलाव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे में बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इस दौरे को एक हफ्ते के लिए टाल सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि भारत को दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मुकाबले खेलने हैं। टीम को 9 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना है। इसे लेकर न्यूज एजेंसी ANI से BCCI के एक सूत्र ने कहा कि हम सीरीज को एक हफ्ते आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े खतरे हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा और सेहत हमारी प्राथमिकता है और अभी हम सरकार की इजाजत का भी इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि BCCI ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम सिलेक्शन को भी अभी होल्ड पर डाल रखा है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।